friends, welcome to Education Wave, Success Made Easy, Strategies for Enhancement in Food Production Part 3. Plant breeds के बारे में और कौन कौन से methods होते हैं जिससे कि हम hybrids produce कर सकते हैं, तो मैंने आपको बताया था conventional breeding technique होती है और एक दूसरी होती है mutational. Conventional के steps आपको last video में बताया और इस video में हम जा रहे हैं पढ़ने mutation breeding के बारे में. So, we all know कि mutation क्या होता है, ठीक है? It is a kind of a sudden change जो हमारी body में होता है, जो कि किसी chemical radiations की वजह से, ठीक है? और sorry, chemicals की वजह से, radiations की वजह से, किसी drug की वजह से, या फिर, you know, किसी भी reason से जब हमारी body में suddenly, genetically changes आ जाते हैं, उन्हें हम बोलते हैं mutation. तो यहाँ पे भी वही है, mutation breeding. मतलब जो म्यूटेशन की वजह से हुई हो उसको बोलते हैं हम म्यूटेशन ब्रीडिंग. सो इंड्यूसिंग म्यूटेशन आर्टिफिशियली थ्रू यूज ऑफ केमिकल्स. अगर हम बाहर से केमिकल्स का यूज कर रहे हैं और उस केमिकल्स को हम म्यूटेशन को इंड्यूस करने के लिए उसका यूज कर रहे हैं, तो फिर हम उसे म्यूटेशन ब्रीडिंग कहेंगे. रेडिएशन की वजह से और जो हम ड्रग्स यूज करते हैं उनकी वजह से, यूजिंग द प्लांट दैट हैव द डिजायरेबल कैरेक्टर एज अ सोर्स इन ब्रीडिंग. जब हम इन सभी चीजों का यूज कर रहे हो ताकि हमारे जो डिजायरेबल कैरेक्टर्स हैं वो उस हाइब्रिड में आ सके, उस तरीके की प्रोसेस को, उस टाइप की ब्रीडिंग को हम क्या बोलते हैं, म्यूटेशन ब्रीडिंग. नाउ इट इज अ फिनोमिनन बाय विच जेनेटिक वेरिएशन इज अचीव. ऑब्वियसली जैसे कि मैंने आपको बताया कि म्यूटेशन होता ही क्या है, जेनेटिक लेवल पे कुछ वेरिएशंस आ जाना, विच इज अचीव्ड थ्रू चेंजेस इन द बेस सीक्वेंसेस, जो कि ए टी सी जी जो हमारे बेस सीक्वेंसेस होते हैं, जो हमारे पूरा सीक्वेंस है उनमें कुछ चेंजेस आ जाए विद इन अ जीन, विच क्रिएट्स अ न्यू जीन, विच क्रिएट्स अ न्यू कैरेक्टर, जो जिसकी वजह से क्या हो, एक न्यू कैरेक्टर क्रिएट हो, एक नया ट्रेट बने इन और एबसेंट इन पेरेंटल जनरेशन. ऑब्वियसली जो कि पेरेंट्स में नहीं पाए जाएंगे क्योंकि उनमें म्यूटेशन हुई, और ये सिर्फ किसमें होंगे, उस हाइब्रिड में, ठीक है? तो ये एक ऐसा फेनोमिना है जिसके अंदर बाय विच जिसकी वजह से क्या होता है, बेस सीक्वेंसेस में एक बहुत ही ज्यादा वेरिएशन देखने को मिलती है हमें, हम उसे बोलते हैं जेनेटिक वेरिएशन उन जीन्स में, जिसकी वजह से एक नया ही कैरेक्टर होता है. अब वो कैरेक्टर जो हमें मिला है, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि वो जो कैरेक्टर हमें मिला है वो हमारे जो हम चाहते थे वो वैसा ही है, ठीक है? कुछ अलग भी हो सकता है क्योंकि म्यूटेशन होना हम बस उसको कर सकते हैं. ये हमारे हाथ में नहीं है कि जो हमें कैरेक्टर चाहिए वही हमें मिलेगा, ठीक है? सो और ट्रेड एब्सेंट इन पेरेंट, ट्रेड एब्सेंट इन पेरेंट जनरेशन. तो ये था हमारा म्यूटेशन ब्रीडिंग की डेफिनेशन. इट इज कैरिड आउट बाय द फॉलोइंग स्टेप्स. इसमें भी कुछ स्टेप्स होते हैं. इंड्यूसिंग म्यूटेशन इन प्लांट बाय वेरियस मींस. ऑफ कोर्स आपको पहले म्यूटेशन करनी होगी जिसकी वजह से, जिसके लिए आपको उन म्यूटेशन म्यूटेजेंस की जरूरत है, मतलब केमिकल्स की, रेडिएशंस की, या फिर एक्सरे, यूवी रेज, जो भी जितनी भी जो भी चीजें हमें म्यूटेशन कराती हैं, इंड्यूस कराने में हेल्प करती हैं, उन सबकी हेल्प से आपको पहले म्यूटेशन को इंड्यूस कराना है. स्क्रीनिंग द प्लांट फॉर रेजिस्टेंस. अब आपको ये देखना है कि वो प्लांट्स जिसमें भी आपने, मतलब इतने सारे प्लांट्स लिए उन सब में आपने म्यूटेशन कराई, लेकिन कुछ ही प्लांट्स जो होंगे वो रेजिस्टेंस आपको दिखेंगे. तो जो आपको कैरेक्टरिस्टिक्स चाहिए, ठीक है, वो उस हाइब्रिड में है या नहीं, वो आपको उसकी स्क्रीनिंग करनी पड़ेगी. और जब आपने उसे देखा तो वो डिजायरेबल प्लांट आपने सिलेक्ट किया फॉर मल्टीप्लीकेशन, ताकि आप उसकी और कर सके और फिर उसकी ब्रीडिंग किसी और से करा सके, ताकि फिर से उस हाइब्रिड में वो कैरेक्टरिस्टिक्स आ सके. इन मूंग बीन, रेजिस्टेंट टू येलो मोज़ेक वायरस और पाउडरी मिल्ड्यू वर इंट्रोड्यूस्ड बाय म्यूटेशन. हमने मूंग बीन में क्या किया था, म्यूटेशन ब्रीडिंग की थी, ठीक है? उनके अंदर कुछ ना कुछ मैंने रेडिएशन डाल के, केमिकल्स डाल के, या फिर किसी रेडिएशन का यूज करके, यूवी रेज, गामा रेज, जो भी, इन सब का यूज करके मैंने उस प्लांट को येलो मोज़ेक वायरस से रेजिस्ट किया, और पाउडरी मिल्ड्यू ये भी एक वायरस है, इससे भी मैंने उसको रेजिस्ट किया, ठीक है? तो वर इंट्रोड्यूस वन म्यूटेशन इन भिंडी, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं एबेल मोस्कस एस्केलेंटस, रेजिस्टेंट टू येलो मोज़ेक वायरस से, ये भी रेजिस्टेंट है, ठीक है. वॉज इंट्रोड्यूस फॉर्म
a wild species resulting a new variety, जब हमने इनके अंदर किसी भी मतलब किसी भी केमिकल या रेडिएशन से जब हमने येलो मोज़ेक वायरस से रेजिस्टेंट बन गया और उस वैरायटी को वो जो वैरायटी थी जो रेजिस्टेंट थी येलो मोज़ेक वायरस को उसको हमने नाम दिया प्रभानी क्रांति। ठीक है, तो प्रभानी क्रांति एक ऐसा वैरायटी एक ऐसी वैरायटी थी भिंडी की जो कि रेजिस्टेंट थी येलो मोज़ेक वायरसेस नाम की डिजीज से। नाउ प्लांट ब्रीडिंग फॉर डेवलपिंग रेजिस्टेंट टू इंसेक्ट पेस्ट। पहले हमने डिजीज रेजिस्टेंट किया, यहाँ पे हम इंसेक्ट और पेस्ट से ही रेजिस्टेंट कर सकते हैं प्लांट्स को। सो इंसेक्ट रेजिस्टेंट इन होस्ट क्रॉप इज ड्यू टू मॉर्फोलॉजिकल बायोकेमिकल एंड फिजियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। इसका कहने का क्या मतलब है दैट देयर आर सम कैरेक्टर्स व्हिच मेक द यू नो प्लांट्स रेजिस्टेंट टू इंसेक्ट्स। जैसे कि कुछ ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से हम प्लांट्स में कुछ ऐसे बायोकेमिकल्स या फिर फिजियोलॉजिकल मतलब उसके कैरेक्टर्स में ऐसे चेंजेस ला सकते हैं जिसकी वजह से वो इंसेक्ट चेंजेस ला सकते हैं जिसकी वजह से वो इंसेक्ट और पेस्ट से खुद को रेजिस्ट कर सके। ठीक है, ये कैसे पॉसिबल है, जैसे कि हेयरी लीव्स इन सेवरल प्लांट्स मेक देम रेजिस्टेंट। उनके लीव्स के ऊपर कुछ हेयरी प्रेजेंट होता है जो कि इंसेक्ट और पेस्ट को उसके ऊपर आने नहीं देता। ठीक है, तो ये एक तरीके का एक ऐसा कैरेक्टर है जिसकी वजह से वो रेजिस्टेंट हो गया इंसेक्ट और पेस्ट से। ठीक है, तो हेयरी लीव्स जो होती हैं वो क्या करती हैं प्लांट्स को रेजिस्ट करती है इंसेक्ट और पेस्ट से। सॉलिड स्टेम इन वीट लीड टू नॉन प्रेफरेंस बाय स्टीम सॉल्ट फ्लाई। तो फिर कुछ कुछ स्टेम्स जो थी सॉलिड स्टेम की वजह से वो उस पे जो स्टेम के फ्लाइज वगैरह जो होती हैं वो उस पे नहीं आती हैं। ठीक है, स्मूथ लीव्स जब होती हैं तो लेक्टन लेस कॉटन वैरायटी डू नॉट अट्रैक्ट बॉल वर्म्स। जब भी स्मूथ लीव्स होंगी तो जो बॉल ठीक है जैसे कि हाई एस्पार्टिक एसिड्स वगैरह लो नाइट्रोजन शुगर कंटेंट इन मेज मेक द रेजिस्टेंट टू स्टेम बोरर्स। तो ये सभी चीजें जो एस्पार्टिक एसिड उसके ऊपर प्रेजेंट है लो नाइट्रोजन है शुगर कंटेंट है मेज के ऊपर ये सभी चीजें उनको रेजिस्टेंट बनाती है किससे स्टेम बोरर्स से। ठीक है, ये भी एक तरीके के पेस्ट होते हैं इंसेक्ट्स होते हैं। सो ये सारी थे हमारे प्लांट ब्रीडिंग जिसकी वजह से हमने इंसेक्ट और पेस्ट से प्लांट ब्रीडिंग जिसकी वजह से हमने से रेजिस्टेंस बनाया अपने प्लांट को। नाउ पूसा गौरव अ वैरायटी ऑफ ब्रासिका है जो कि एफिड से ये भी एक तरीके के इंसेक्ट होते हैं उनसे रेजिस्टेंट होती है। ठीक है, ये सारी वैरायटीज हैं, आपसे पूछ लिया जाएगा कि इंसेक्ट और पेस्ट वैरायटीज बताइए ब्रासिका की तो आपको ये नाम बताना होगा। ठीक है, प्यूसा सैम टू एंड प्यूसा सैम थ्री वैरायटीज ऑफ फ्लैट बीन्स आर रेजिस्टेंट टू जेफिड्स एफिड्स एंड फ्रूट बोरर। तो ये सभी इनसे रेजिस्टेंट है एंड प्यूसा सोवानी एंड प्यूसा ए फोर ऑफ ओकरा जिसे हम भिंडी भी कह रहे हैं ये रेजिस्टेंट है किसके टू शूट एंड फ्रूट बोरर्स पे। तो ये सभी चीजें इन सबसे इंसेक्ट और पेस्ट से रेजिस्टेंट है। नाउ प्लांट ब्रीडिंग फॉर इम्प्रूव फूड क्वालिटी। अभी तक हमने क्या पढ़ा कि डिजीज से कैसे रेजिस्ट करें, अभी हमने पढ़ा कि इंसेक्ट और पेस्ट से कैसे रेजिस्ट करें, अब हम प्लांट ब्रीडिंग का यूज कर रहे हैं ताकि हमें फूड क्वालिटीज इम्प्रूव्ड मिल सके। वी हैव बिलियंस पीपल्स इन द वर्ल्ड सफर फ्रॉम डेफिशिएंसी ऑफ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स प्रोटीन्स विटामिंस। ठीक है, इसे हम बोलते हैं हिडन हंगर। जब भी इतनी ज्यादा पॉपुलेशन और हम उसको फीड नहीं कर पाते हैं उस पॉपुलेशन को फीड नहीं करा पाते जस्ट बिकॉज और उसकी वजह से क्या हो जाता है प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो जाती है विटामिंस की डेफिशिएंसी हो जाती है उनकी बॉडी में, उसे हम बोलते हैं हिडन हंगर। जिसकी वजह से क्या होगा रिस्क ऑफ डिजीजेस बढ़ेंगे लाइफ स्पैन रिड्यूस हो जाती है और मेंटल एबिलिटी भी रिड्यूस होती है। ठीक है, नाउ फूड प्रोडक्शन शुड बी इंक्रीजेस क्वालिटेटिवली एंड क्वांटिटेटिवली। ठीक है, तो फूड की जो प्रोडक्शन है हम उसको इंक्रीज कर सकते हैं क्वांटिटेटिवली और क्वालिटेटिवली इस मेथड से। नाउ बायो फोर्टिफिकेशन क्या होता है, एक ब्रीडिंग प्रोसेस है जिसमें हम क्रॉप्स को हायर लेवल ऑफ न्यूट्रिएंट्स के लिए विटामिन मिनरल्स फैट्स के लिए हम उन क्रॉप्स की ब्रीडिंग कराते हैं तो उसे इस प्रोसेस को बोलते हैं हम बायो फोर्टिफिकेशन। सो इट इज अ प्रोसेस ऑफ ब्रीडिंग क्रॉप्स जो कि क्या प्रोड्यूस करेगा हायर लेवल ऑफ न्यूट्रिएंट्स जैसे कि विटामिंस मिनरल्स प्रोटीन्स। तो अगर हमें मुझे फॉर एग्जांपल मैं अगर
मुझे कुछ ग्रो करना है, जस्ट बिकॉज उसका एक ही रीजन है कि क्योंकि मुझे उन क्रॉप्स में चाहिए विटामिन्स, मिनरल्स और प्रोटीन्स, ठीक है, और मैंने फिर उन क्रॉप्स को, उन क्रॉप्स की ब्रीडिंग की ताकि इनकी न्यूट्रिशनल क्वांटिटी बढ़ जाए, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, बायोफोर्टिफिकेशन इज डन टू इम्प्रूव, ऑब्वियसली बायोफोर्टिफिकेशन, जैसे कि मैं बोल रही हूँ कि मुझे न्यूट्रिएंट क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए, इन सब चीज़ों को इंक्रीज करने के लिए कर रही हूँ, तो फिर obviously it is done to improve protein content and quality, oil content and quality, vitamin content, micronutrient and mineral content, इन सभी चीज़ों को बढ़ाने के लिए. So hybrid maize developed with twice the amount of amino acid lysine and tryptophan compared with existing maize. Obviously जब हम normal crop को hybrid वाली maize crop से जब हमने इनको compare किया तो हमने देखा कि उसका जो amount था ना अमीनो एसिड लाइसिन और ट्रिप्टोन का, इसमें डबल था जो हमारी हाइब्रिड क्रॉस थी इन कंपेयर टू द एग्जिस्टिंग वाली मेज. वीट वैरायटी एटलास 66 जो है उसके अंदर हाई प्रोटीन कंटेंट है जो कि विच हैज बीन यूज्ड एज डोनर फॉर इंप्रूविंग कल्टीवेटेड वीट्स वगैरह. इसकी जो एटलास 66 है ये बहुत ही ज्यादा प्रोटीनेशियस इसमें कंटेंट पाया जाता है, ठीक है, and it is used as a donor for improving cultivated weeds also. And iron fortified rice jo hai, it is developed with 5 times more iron content than existing variety. So we can see that ki jab bhi we hum plants varieties plants ko leke unki aap hame kuch, you know, hame kuch double mil raha hai in चाहे वो विटामिन्स हो या फिर उनकी आयरन कंटेंट है. यहाँ जैसे कि आपने देखा आयरन फोर्टिफाइड राइस में 5 टाइम्स बढ़ गया उसका आयरन कंटेंट इन कंपेयर टू द एग्जिस्टिंग वैरायटी, ठीक है. सो जब हमने उसको कंपेयर किया मेज वाली वैरायटी को भी, तो हमने वहाँ भी देखा कि जो अमीनो एसिड्स थे लाइसिन और ट्रिप्टन वो ट्वाइस थे किसके, नॉर्मल वाली मेज वैरायटी के, ठीक है. तो ये हम कह सकते हैं कि हमने यहाँ पे फूड की क्वालिटी को इम्प्रूव किया है. इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वहाँ पे हमने राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट देखा था IRRI, यहाँ हम एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट देख रहे हैं, हैज डेवलप्ड फॉलोइंग प्लांट्स. देखिए विटामिन ए के लिए उन्होंने ये वाले प्लांट्स यूज, मतलब विटामिन ए रिच प्लांट्स थे, कैरेट, स्पिनच, पम्पकिन, इतने विटामिन्स के लिए इन क्रॉप्स की ब्रीडिंग कराई है, ठीक है. एंड बिटर गॉर्ड, बथुआ, मस्टर्ड, टोमेटो विटामिन सी रिच थे, स्पिनच एंड बथुआ आयरन एंड कैल्शियम, ब्रॉड बीन्स एंड लैब फ्रेंच बीन एंड गार्डन पी ये थे प्रोटीन रिच, ठीक है. तो ये भी आपको लर्न करने हैं क्योंकि कभी कभी पूछा जाता है कि विटामिन सी के सोर्सेज बताइए, विटामिन ए के सोर्सेज बताइए. सो नाउ सिंगल सेल प्रोटीन्स क्या होते हैं, प्रोटेक्शन ऑफ प्रोटीन बायोमास इन लार्ज स्केल सिंगल सेल प्रोटीन. यहाँ से आपको क्या समझ आ रहा है, पहले ये देखिए. सो सिंगल सेल, एक सेल और प्रोटीन, यहाँ से आपको कुछ ये समझ आया होगा कि सिंगल सेल है और कुछ प्रोटीन से रिलेटेड है. सो सिमिलरली अब देखिए प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन बायोमास, जब हम प्रोटीन को प्रोड्यूस कर रहे हो उसका वो भी लार्ज स्केल पे, ये भी नहीं कि आपको बहुत ही कम अमाउंट में प्रोटीन चाहिए तो आपने एक क्रॉप की और उसके अंदर इतना सा प्रोटीन, मतलब बहुत ही लार्ज स्केल पे जब आप प्रोटीन की प्रोडक्शन कर रहे हो. एंड यूजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो सिंगल सेल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है ना उनका यूज आप यहाँ पे कर रहे हैं, इसीलिए आपने यहाँ पे इन प्रोटीन्स को नाम दिया सिंगल सेल प्रोटीन. तो सिंगल सेल मतलब कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ग्रो किया आपने, ठीक है, लो कॉस्ट रॉ मटेरियल पे, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो रिच इन प्रोटीन होते हैं, ठीक है, तो वो क्या प्रोड्यूस करेंगे प्रोटीन को लार्ज स्केल पे, ठीक है. यहाँ से समझते हैं इसको और भी अच्छे तरीके से. मोर देन 25% ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन इज सफरिंग फ्रॉम माल न्यूट्रिशन. माल न्यूट्रिशन क्या होता है, कुपोषण का शिकार है हमारी आधी से ज्यादा 25% ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन. सो ऑल्टरनेटिंग सोर्स क्या है, अगर हमें मतलब इससे छुटकारा पाना है तो ह्यूमन और एनिमल का वो है सिंगल सेल प्रोटीन, ठीक है. तो प्रोटीन का एक लौता सोर्स क्या है हमारे ह्यूमन्स और एनिमल्स के पास, वो है सिंगल सेल प्रोटीन.
ये सिंगल सेल प्रोटीन को प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हेल्प से, जैसे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक स्पिरुलिना ग्रो ऑन वेस्ट। ये क्या होता है, वेस्ट फ्रॉम पोटैटो प्रोसेसिंग प्लांट्स वगैरह, स्ट्रॉ, मोलेसेस, जितना भी वेस्ट मटेरियल होता है ये वहां पे ग्रो कर जाते हैं, ठीक है, एंड इवन सीवेज वगैरह जो भी होता है, टू प्रोड्यूस लार्ज क्वांटिटीज एंड कैन सर्व एज फूड रिच इन प्रोटीन। क्योंकि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिच इन प्रोटीन होते हैं तो हम इनको एज अ प्रोटीन सप्लीमेंट भी ले सकते हैं। मिनरल्स, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट सब इनमें मिलता है हमें, ठीक है। तो हमने सीवेज लिया या फिर कहीं से भी ऐसी जगहों पे से जहाँ पे बेस, वहां से हमने ये सिंगल सेल प्रोटीन प्रोडक्शन कर ली, ठीक है। सो 250 केजी काउ प्रोड्यूस 200 ग्राम ऑफ प्रोटीन पर डे। इन द सेम पीरियड 250 ग्राम ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक ये सब एक्सपेक्टेड टू प्रोड्यूस 25 टन्स ऑफ प्रोटीन। यू कैन सी दैट कि ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे लिए कितने हेल्पफुल हैं लार्ज स्केल पे प्रोटीन्स की प्रोडक्शन के लिए, ठीक है। जब 250 केजी की काउ सिर्फ 200 ग्राम प्रोड्यूस कर रही है, सोच सकते हैं 250 केजी ऑफ काउ जब इतना प्रोटीन प्रोड्यूस कर रही है, और इन द सेम पीरियड, उसी सेम पीरियड में 250 ग्राम ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सिर्फ इतने ग्राम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मिलके एटलीस्ट 25 टन ऑफ प्रोटीन्स प्रोड्यूस करते हैं। सो ऑब्वियसली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का बहुत बड़ा हाथ है प्रोटीन की प्रोडक्शन में, और कितने ज्यादा प्रोटीन सप्लीमेंट मार्केट में अवेलेबल हैं, जो जिम ट्रेनर्स होते हैं, कोई भी जिसको भी वेट गेन करना है वो जाके प्रोटीन सप्लीमेंट खरीद लाता है, ठीक है। इतने बड़े बड़े बॉक्सेस होते हैं प्रोटीन सप्लीमेंट्स के, आपने भी देखा होगा या फिर आप सब भी लेते होंगे प्रोटीन सप्लीमेंट्स। तो ये सारा प्रोटीन सप्लीमेंट आता कहाँ से है, वो सिंगल सेल प्रोटीन्स ही होते हैं, ठीक है। और किसी का भी नाम लेना हो तो आप कह सकते हैं स्पिरुलिना, मिथाइलोफाइलस, मिथाइलोटोपस, ठीक है। ये सारे सिंगल सेल, ये सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो सिंगल सेल प्रोटीन की प्रोडक्शन करने में हेल्प करते हैं। नाउ टिश्यू कल्चर क्या होता है, टिश्यू कल्चर एक ऐसा मेथड है, या फिर आप कह सकते हैं आर्टिफिशियल मेथड है, जिसमें हम लाइट और टेम्परेचर के मतलब कंडीशंस में हम क्या करते हैं, एक ऐसा कंडीशन या फिर एक ऐसा एनवायरमेंट हम प्लांट्स को देते हैं ताकि वो ग्रो हो सके। फॉर एग्जांपल, हमारे प्लांट्स को ग्रो करने के लिए क्या चाहिए होता है, वी ऑल नो लाइट चाहिए होती है और टेम्परेचर चाहिए होता है, ठीक है। सो हम एक ग्लास लिया हमने एक, ठीक है, और इसके अंदर हमने लाइट्स को, यहाँ बाहर लाइट्स लगा दी ताकि वो अंदर ट्रैप हो सके। उस लाइट की वजह से अंदर टेम्परेचर भी बढ़ा, और टेम्परेचर भी बढ़ा, लाइट भी बढ़ा, और सॉइल की जरूरत नहीं है, जो सॉइल में न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। आपको पता है अगर हमें प्लांट्स को ग्रो करना है, आई नो यू ऑल नो कि हमें प्लांट्स को ग्रो करने के लिए सॉइल की जरूरत पड़ती है, लेकिन ये इम्पॉर्टेंट नहीं है कि सॉइल ना हो तो वो प्लांट्स ग्रो नहीं होंगे, क्योंकि जो सॉइल में न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, लाइक अगर हमें आयरन, नाइट्रोजन, सल्फर, मैग्नीशियम, कुछ भी जो हमें चाहिए प्लांट्स को ग्रो करने के लिए, वो हम एज अ लिक्विड फॉर्म में, हम पानी में मिक्स करके यहाँ पे अगर रख दें तो उसमें भी प्लांट ग्रो हो सकते हैं, ठीक है। तो सिमिलरली हम एक ऐसी कंडीशन, एक ऐसा एनवायरमेंट देंगे उसे जहाँ पे उसे सब मिलेगा, सारे के सारे एलिमेंट्स जो हैं वो भी हम यहाँ पे उसे दे देंगे, वाटर दे देंगे, ठीक है, लाइट है, टेम्परेचर है, यहाँ पे ऑक्सीजन भी दे देंगे, और यहाँ पे एक ऐसा एनवायरमेंट प्रोड्यूस करेंगे जिसके अंदर वो प्लांट ग्रो कर पाएंगे, ठीक है। सो द मेथड ऑफ ग्रोइंग अ प्लांट सेल, टिश्यू या फिर कोई ऑर्गन एक आर्टिफिशियल न्यूट्रिएंट मीडियम में, वो भी एसेप्टिक कंडीशन में, सेप्टिक कंडीशन जैसे कि हमने उसमें लाइट दी, टेम्परेचर दी, उसको क्या बोलते हैं हम, टिश्यू कल्चर। ये क्या हुआ, टिश्यू कल्चर, ठीक है। सो होल प्लांट कैन बी जनरेटेड फ्रॉम एन एक्सप्लांट। एक्सप्लांट क्या होता है, इज अ पार्ट लाइक सेल, मतलब छोटा सा सेल लिया आपने, और वो सेल आपने लिया और टेस्ट ट्यूब में उसको आर्टिफिशियली उसी छोटे से प्लांट के सेल से आपने पूरा एक प्लांट बना लिया, पूरा का पूरा एक प्लांट फॉर्म हो गया, ठीक है। तो होल प्लांट कैन बी जनरेटेड फ्रॉम एन एक्सप्लांट, मतलब कि एक छोटे से सेल से भी, कोई से टिश्यू से, ठीक है। नाउ टोटी पोटेंशी क्या होती है, उस प्लांट सेल की कितनी पोटेंशियल है, कितनी कैपेसिटी है कि वो कितना डेवलप कर सकता है और जनरेट कर सकता है न्यू प्लांट में। तो ये उस प्लांट सेल की कैपेसिटी होती है
to multiply or regenerate into a new plant. ठीक है. Now the nutrient medium provides a carbon source. वही जो nutrient medium मैंने उसको यहाँ provide किया है, इसमें carbon होगा, sucrose होगा, vitamins होंगे, amino acids होंगे, ऐसे ऐसे growth regulators भी होंगे, जैसे कि जो auxin टिप पे पाया जाता है ताकि वो ग्रो कर सके, जिबरलिन, साइटोकाइनेस, इन सब चीजों की जरूरत पड़ती है ताकि वो ग्रो कर सके, वो हम उन्हें देंगे. सो द सेल्स ऑफ एक्स प्लांट स्टार्ट डिवाइडिंग इन द मीडियम एंड गिव्स अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ टिश्यू कॉल्ड सोमा क्लोज. जब इन्होंने अनडिफरेंशिएटेड मतलब कि वो क्या होंगे, अनडिफरेंशिएटेड मतलब हम उनको बता नहीं सकते कि बिल्कुल सेम सेम वो दिखेंगे. जैसे कि ये एक्स प्लांट था और हमने इनको ऐसी कंडीशंस प्रोवाइड की तो वो डिवाइड होना स्टार्ट हो गया अनडिफरेंशिएटेड मास में, इसलिए हम उनको एक जैसे दिखते हैं, इसलिए हम उनको सोमा क्लोन्स कहेंगे. ठीक है, क्लोन्स भी ऑल नो. ठीक है, जब हमने फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ाएंगे कि क्लोन्स क्या होते हैं जो एक जैसे दिखते हैं, तो सोमा क्लोन्स प्रोड्यूस करेंगे. नाउ द कैलस लेटर गिव रोज टू एम्ब्रियोस कॉल्ड सोमैटिक एम्ब्रियोस विच जनरेट इनटू अ न्यू प्लांट. और फिर इसी से क्या हो जाएगा, सोमैटिक एम्ब्रियोइड्स बन जाएंगे जो कि पूरे एक न्यू प्लांट में फॉर्म हो जाएगा. नाउ द मेथड ऑफ प्रोडक्शन ऑफ थाउजेंड्स ऑफ प्लांट थ्रू टिश्यू कल्चर. टिश्यू कल्चर की हेल्प से जब हम थाउजेंड्स ऑफ प्लांट प्रोड्यूस करते हैं, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, माइक्रो प्रोपेगेशन. सो ये था हमारा टिश्यू कल्चर. नाउ प्लांट्स ग्रोन बाय माइक्रो प्रोपेगेशन आर जेनेटिकली आइडेंटिकल. ऑब्वियसली जैसे कि मैंने आपको बोला कि वो सारे एक जैसे दिखेंगे, सोमा क्लोन्स, बिकॉज दे आर प्रोड्यूस्ड बाय सोमैटिक सेल्स. क्लोन्स आपको बोला कि वो सारे एक जैसे दिखेंगे, सोमा क्लोन्स, बिकॉज दे आर प्रोड्यूस्ड बाय सोमैटिक सेल्स. क्लोन्स एक जैसे दिखने वाले, सोमा इज सोमैटिक. यहाँ पे हमने रिप्रोडक्टिव सेल्स नहीं लिए, रिमेम्बर दैट, कि हम टिश्यू कल्चर में रिप्रोडक्टिव नहीं लेते कि हमने एक मेल लिया एक फीमेल लिया और तब उनकी हाइब्रिड क्रॉस वगैरह कराई, ये डिफरेंट है, वो प्लांट ब्रीडिंग हो जाता है. टिश्यू कल्चर में हम कोई सा भी प्लांट ले लेंगे, जिसको हमने बोला था एक्स प्लांट, मतलब कोई सा भी सॉरी सेल ले लेंगे या टिश्यू ले लेंगे या फिर ऑर्गन ले लेंगे उस प्लांट का, और फिर वही ग्रो होता चला जाएगा, क्लोन्स बनाता रहेगा और बनाता रहेगा और बनाता रहेगा और पूरा एक प्लांट में फॉर्म हो जाएगा. ठीक है, इम्पोर्टेंस क्या है कि हम छोटे से या फिर सिंगल सेल से हम पूरी शॉर्ट ड्यूरेशन में पूरा प्लांट खड़ा कर सकते हैं सामने. नाउ मेनी इंपॉर्टेंट प्लांट जैसे कि टोमेटो, एप्पल, बनाना, ये सब भी टिश्यू कल्चर से ही प्रोड्यूस हुए हैं. एंड प्रोडक्शन ऑफ डिजीजेस फ्री वेराइटीज. मेरिस्टेम रीजन का बोला जाता है कि मेरिस्टेम रीजन से एक रीजन होता है जिसके अंदर आप अगर वहां के सेल्स लोगे तो वो जो सेल्स होते हैं ना वो डिजीज रेजिस्टेंट होते हैं. ठीक है, और बहुत जल्दी ग्रो भी करते हैं. तो हम कह सकते हैं कि हमने वहां से एक एक्सप्लांट लिया और उसी से पूरा प्लांट बना दिया, और वो प्लांट क्या होगा, वो रेजिस्टेंट भी होगा और बहुत जल्दी ग्रो भी करेगा. ठीक है, तो प्रोडक्शन ऑफ डिजीज फ्री वेराइटीज भी हमें मिल जाएंगी. तो ये बेटर था ना, क्योंकि जब हम पूरा प्लांट ग्रो कर रहे होते हैं तो मेरिस्टेमेटिक रीजंस कुछ कुछ होते हैं जहाँ पे वो डिजीज रेजिस्टेंट होते हैं, लेकिन कुछ होते हैं लेटरल, जो लेटरल वाला रीजन होता है या फिर कुछ भी डिफरेंट डिफरेंट रीजंस होते हैं. लेकिन हमने यहाँ से एक्सप्लांट, हमने यहाँ से सेल ही मेरिस्टेमेटिक वाले रीजन से उठाया और पूरा प्लांट उसी से फॉर्म कर दिया जो कि डिजीज रेजिस्टेंट था. ओके, तो वो था हमारा टिश्यू कल्चर. नाउ सोमैटिक सेल हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है. सोमैटिक सेल जिसमें हमने सिर्फ रिप्रोडक्ट यहाँ पे क्या लिए, हमने यहाँ पे सोमैटिक सेल्स लिए, लेकिन सोमैटिक सेल्स की भी हाइब्रिडाइजेशन हुई है. हाइब्रिडाइजेशन का मतलब ही क्रॉस होता है. यहाँ पे हमने दो सेल्स लिए हैं जो कि सोमैटिक हैं और उनकी क्रॉसिंग कराई है. ठीक है, या फिर फ्यूजन कराया है कह सकते हैं, जिसको हम बोलेंगे हाइब्रिड प्रोटोप्लास्ट. सो द प्रोसेस ऑफ फ्यूजिंग द प्रोटोप्लास्ट ऑफ टू सेल्स, जब हमने उन दोनों सेल्स का प्रोटोप्लास्ट फ्यूज कराया ताकि हमें डिजायरेबल प्लांट्स मिल सके, उसे हम बोलेंगे हाइब्रिड प्रोटोप्लास्ट. इसमें हम करते क्या है, सोमैटिक सेल हाइब्रिडाइजेशन में दो डिजायर्ड प्लांट्स के हमने सेल्स लिए, जिसको हम बोलेंगे एक प्लांट एक से लिया दूसरे से लिया. नाउ उनकी सेल वॉल को डाइजेस्ट कर लिया, मतलब कि ये हमारा सेल वॉल है, अंदर हमारा साइटोप्लाज्म वगैरह पड़ा है. ठीक है, ये हमारा न्यूक्लियस है, ये दूसरा सेल था, यहाँ पे भी हमारा न्यूक्लियस है और यहाँ हमारा साइटोप्लाज्म है, दोनों सेल्स हैं. हमने सबसे पहले इसकी सेल वॉल को डाइजेस्ट किया, कोई भी एंजाइम डाला जिससे इसकी सेल वॉल क्या हो जाए, डाइजेस्ट हो जाए. जो प्रोटोप्लास्ट था दोनों प्लांट का, हमने उन दोनों को फ्यूज कर दिया. ठीक है, उन दोनों को फ्यूज कर दिया और ताकि वो न्यू प्लांट में
ग्रो सके और जिसमें दोनों के ही कैरेक्टरिस्टिक्स हो, ठीक है। सो द हाइब्रिड प्रोटोप्लास्ट कैन बी ग्रोन फर्दर इनटू अ न्यू प्लांट। हमने वैसे ही पोटैटो और टोमेटो के साथ भी किया, उनके सेल्स ले लिए हमने, ये हमारा टोमेटो वाला है, ये हमारा पोटैटो वाला है, सेल्स को इनकी हमने डाइजेस्ट किया और दोनों की सेल्स को मिला के न्यू बना दिया, प्रोडक्शन ऑफ प्लांट लाइक पोमैटो। पोटैटो और टोमेटो से हमने बनाया पोमैटो, ओके। तो ये था हमारा सोमैटिक सेल हाइब्रिडाइजेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, एंड लाइक जरूर कीजिए अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, एंड लाइक जरूर कीजिएगा मेरी वीडियो को, एंड कमेंट ऑल्सो कि आपको कैसी लगी, एंड फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम प्लीज गाइज, लाइक जरूर करिएगा, एंड थैंक यू सो मच।